हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, यह चैप्टर हमारा चालू है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फूड चेन एंड फूड वेब और द इनर्जी पिरामिड, इसके बारे में जानकारी ली, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज के ट्यूटोरियल में हम बायोजियो केमिकल साइकिल और उसके अंदर कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, अब इसका मतलब क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब जैव भू रासायनिक चक्र, हम ऐसा बोल सकते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल मराठी में उसे जैव भू रासायनिक चक्र ऐसा कहा जाता है। चलिए क्या होता है ये? दो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल। क्या बोला है? अगर जो इनर्जी का फ्लो है हमारे इकोसिस्टम में वो वन वे है, मतलब एक तरफा है, लेकिन फिर भी जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है वो क्या है? साइक्लिकल है, यानी वो चक्रीय है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक द्रव्य, हमको पता है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, हमारे फूड से मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स, उनका जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो साइक्लिकल है। भले ही इनर्जी का फ्लो वन वे हो, मगर जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है वो साइक्लिकल है। अब इनर्जी का फ्लो जो है वन वे है वो किस तरीके से है, क्यों है, ये मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इनर्जी का फ्लो वन वे है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स का फ्लो क्या है? साइक्लिकल है, आपको याद रखना है। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। और जो फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि साइक्लिकल है, जो चक्रीय है, चक्रीय प्रवाह है न्यूट्रिएंट्स का, उसे ही बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो चलिए देखते हैं क्या होती है बायोजियोकेमिकल साइकिल। आपको दिखाया गया है बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में, क्या बोला गया है? हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर इंटरेक्शन। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलावरण, एटमोस्फीयर मतलब वातावरण, जलावरण वातावरण अंतरक्रिया। उसके बाद दिखाया गया है एटमोस्फीयर इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, वातावरण पर्यावरण इंटरेक्शन। फिर नीचे दिखाया गया कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक एंड सॉइल। लिथोस्फीयर मतलब शिलावरण, शिलावरण का कन्वर्जन किसमें? रॉक और सॉइल में। रॉक मतलब खड़क, हमको पता है दगड़ खड़क, सॉइल मतलब मिट्टी। इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर, जो हमारा जलावरण वातावरण और शिलावरण है उनका इंटरेक्शन बायोस्फीयर के साथ। बायोस्फीयर मतलब जीवावरण। अभी हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों को मिला के ही बायोस्फीयर होता है और उनके बीच का इंटरेक्शन बोला गया है। अभी किस तरीके से न्यूट्रिएंट का फ्लो किस तरीके से होता है? अब सिंपल एग्जांपल अगर बोलना चाहूं तो हमें न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? प्लांट से, मतलब हमें फूड से मिलते हैं। हम फूड कहां से खाते हैं? प्लांट से हमें फूड मिलता है और उसी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन जब हमारी डेथ हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तब वो डिकम्पोज होता है और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और वो फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या हो गया? एक फ्लो हो गया न्यूट्रिएंट्स का, जहां से आया वहीं पे, और ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ पे बोला गया हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर इंटरेक्शन, यानी जलावरण वातावरण, मतलब हवा और पानी के बीच में भी इंटरेक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हवा से पानी, पानी से हवा, इस तरीके से फिरते रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनका एक साइकिल है। उसी तरीके से हर एक जो चीज है, हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर लिथोस्फीयर, उसका बायोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन होता रहता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, यहाँ के चक्कर लगाते रहते हैं, वो साइक्लिक एक फ्लो है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स विद इन एन इकोसिस्टम। क्या कहा गया है? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक द्रव्य, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी वाढ़ के लिए अति आवश्यक होते हैं और वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते रहते, मतलब एक से दूसरे में जाते रहते। फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक, अबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। वो अजैविक से जैविक घटकों में जाते और उसके बाद फिर जैविक से अजैविक घटकों में जाते। फैक्टर्स मतलब घटक, हमको पता है। लेकिन अभी ये कैसा, न्यूट्रिएंट्स कैसे जाते हैं, हमको तो पहले ये पता होना चाहिए अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट में। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब ऐसे नेचुरल थिंग्स जिनका मतलब जिन्हें लाइफ नहीं होती, जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हम बोल सकते, जैसे मिट्टी पानी दगड़, हम बोल सकते रॉक सॉइल वॉटर, ये क्या हुए? अबायोटिक थिंग्स, अबायोटिक फैक्टर्स। और बायोटिक मतलब जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग है, जैसे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स, वो सारे क्या हुए? बायोटिक फैक्टर्स। और जो न्यूट्रिएंट्स है वो
अबायोटिक से बायोटिक और बायोटिक से अबायोटिक, इनके बीच में ट्रांसफर होते रहते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे आपको वही अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर डेड कोई मर जाता है, किसी की बॉडी डेड हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और फिर उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो अबायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से अबायोटिक ट्रांसफर होता रहता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फियर फॉर्मड बाय द लिथोस्फियर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर। और ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, वो किसके माध्यम से चालू रहता है? बायोस्फीयर के। बायोस्फीयर मतलब जीवावरण, जो कि किससे बना हुआ है? फॉर्मड बाय लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। शिलावरण, वातावरण और जलावरण, इनसे बायोस्फीयर बना हुआ है। बायोस्फीयर मतलब जीवावरण, और उसी के माध्यम से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, ये जो चक्र है वो चलता रहता है। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। अभी क्या बोला गया है? द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसका मतलब क्या? जो जैविक, भूस्तरीय और रासायनिक स्रोत होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, यानी पोषक द्रव्य के जो स्रोत होते हैं, उनकी जो रिसाइकलिंग है, उनका जो चक्र है, चक्र की जो उनकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो एक क्या बोल सकते हैं हम, पेचीदा प्रक्रिया है, किचकट प्रोसेस है वो, एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। और वो किसके ऊपर डिपेंड है? एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि एनर्जी इकोसिस्टम में कौन से लेवल पे ट्रांसफर होती है, एनर्जी एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होती है, हमने लास्ट ट्यूटोरियल पे देखा था, तो उसी के ऊपर डिपेंड है। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, अभी हमें टाइप देखने, दो तरीके के टाइप है, चलिए देखते हैं कौन से। गैसियस साइकिल, सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल मतलब हम बोल सकते वायु चक्र, और सेडिमेंटरी साइकिल मतलब अवसादन चक्र, या फिर उसे भू चक्र भी कहा जाता है। गैसियस साइकिल देखते हैं। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इज फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर। क्या बोला गया है? जो मुख्य अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मतलब जो मुख्य अजैविक वायु पोषक द्रव्य है, वायु स्वरूप में जो पोषक द्रव्य है हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हुए, एक्यूमुलेशन मतलब संग्रह या फिर साठा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स का साठा हमारे एटमॉस्फेयर में है जो कि अजैविक है। कभी क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से नीचे दिया गया है? इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ईटीसी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये क्या हुए? अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल्स। हम बोल सकते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो अबायोटिक यानी अजैविक है, उनमें उनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, हमें पता है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो नेचुरल चीज है, इसलिए वो अबायोटिक फैक्टर्स है, और इनका एक्यूमुलेशन यानी उनका संग्रह हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब पानी की बाफ। अभी हम देखेंगे सेडिमेंटरी साइकिल। सेडिमेंटरी साइकिल मतलब अभी बताया मैंने आपको, अवसादन चक्र या फिर भू चक्र भी उसे कहा जाता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इज फाउंड इन सॉइल। अभी बोला गया यहाँ पे कि उसी तरीके से जैसे एटमॉस्फेयर में थे कुछ मुख्य अजैविक पोषक द्रव्य, वैसे ही कहां पे होते हैं? सॉइल में। इन सॉइल सेडिमेंट यानी अवसाद एंड सेडिमेंटरी रॉक्स और अवसादी खड़क, इसमें भी होते हैं हमारे अर्थ के। सॉइल अर्थ पे ही होती है, जो सेडिमेंट यानी अवसाद होता है वो भी अर्थ पे ही होता है, और जो खड़क होते हैं अवसादी खड़क, वो भी अर्थ पे ही होते हैं, तो उनके अंदर भी साठा होता है, संग्रह होता है अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स का, अजैविक पोषक द्रव्यों का उनके अंदर भी साठा होता है। अभी एग्जांपल नीचे दिए गए, इंक्लूड सॉइल कॉम्पोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फरस ईटीसी। अभी कौन से नीचे दिया गया एग्जाम्पल? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फरस ईटीसी, हमें पता है सॉइल में ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं। द गैसियस साइकिल इज अ स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, इफ सीओ टू हैज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया, इट इज क्विकली डिस्पर्स्ड विद द विंड और एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। क्या बोला गया है? जो गैसियस साइकिल है, अभी हमने दो साइकिल देखी, गैसियस और सेडिमेंटरी, इनमें से गैसियस साइकिल स्पीडियर है, यानी वो फास्ट है, किससे? सेडिमेंटरी साइकिल से। अब फास्ट है, उसका एग्जांपल भी दिया गया है, क्या है? इफ सीओ टू हैज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया, इट इज क्विकली डिस्पर्स्ड विद द विंड और एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। क्या बोला गया है? सीओ टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी एरिया में संगठित हो गया, जमा हो गया, तो वो क्विकली डिस्पर्स हो जाएगा, यानी वो इधर उधर फैल जाएगा, पसर जाएगा, बाय द विंड या फिर विद द विंड, हवा के साथ, अगर हवा छूट गई तो वो इधर उधर हवा में फैल जाएगा, और एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, या फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी हम तो जानते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गैसियस साइकिल है वो क्या है? फास्ट है, किससे? सेडिमेंटेशन साइकिल से। क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल्स, hence various aspects of these cycles are extensively studied nowadays. क्या बोला गया है?
जो हवामान हवामान की बदल है, वातावरणीय बदल हम बोल सकते हैं, या फिर हवामान की जो बदल है, और ह्यूमन एक्टिविटीज बोला गया, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मानवीय कृति या मानवीय कार्य, उनसे इफेक्ट होता है। उनसे किसके ऊपर इफेक्ट होता है? स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल्स, जो साइकिल्स अभी हम देखेंगे, या फिर हमने अभी जो देखी बायोजियो केमिकल साइकिल, उसकी स्पीड यानी उसका वेग, इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता, एंड इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, इन चीजों पे उसका असर होता है। किसका असर होता है? क्लाइमेटिक चेंजेस यानी हवामान के बदल, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय क्रिया। और इसीलिए अभी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस साइकिल्स आर एक्सटेंसिवली स्टडीड नाउ डेज, और इसीलिए आजकल इन साइकिल्स के बारे में, इन चक्रों के बारे में एक्सटेंसिवली स्टडी हो रही है, यानी पढ़ा जा रहा है उसके बारे में, पढ़ाई की जा रही है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अभी क्या बोला गया है? डू यू नो द साइकिल ऑफ गैसेस एंड द सेडिमेंटरी साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या कहा गया है? जो गैस की और सेडिमेंटरी साइकिल है, अभी हमने देखे दो टाइप, गैसेस साइकिल, सेडिमेंटरी साइकिल, वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो सकते, एक दूसरे से पूर्ण तरह अलग नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमोस्फियर एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स। क्या बोला गया है? नाइट्रोजन जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है हमारे एटमोस्फियर में, हमारे वातावरण में, और कंपाउंड के फॉर्म में भी होता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन किसमें? सॉइल में और सेडिमेंट्स में। अभी यही बताया गया है, गैसेस और सेडिमेंटरी साइकिल एक दूसरे से पूर्णता अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अभी एग्जाम्पल दिया गया, नाइट्रोजन जो है वो हवा में भी होता है गैसेस फॉर्म में, और कंपाउंड्स के फॉर्म में भी होता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि सॉइल और सेडिमेंट्स में होता है। सिमिलरली, कार्बन ऑकर्स इन अबायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन ईटीसी। उसी तरीके से कार्बन जो है अजैविक फॉर्म में होता है, अबायोटिक फॉर्म मतलब अजैविक स्वरूप, उसमें होता है, किसमें? इन कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन। कोल मतलब हम जानते हैं कोयला, या फिर हम उसे दगड़ी कोसा भी बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है? कार्बन होता है, लेकिन अजैविक स्वरूप में होता है। और किसमें होता है? इन द अर्थ क्रस्ट बोला गया है, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में, यानी भूकवच हम बोल सकते हैं उसे, एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोस्फियर। और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है, लेकिन एटमोस्फियर में, वातावरण में, जो कि एक गैस है। जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मच शॉर्टर ड्यूरेशन देन इट्स देन इट इज इन कोल। क्या बोला गया है? प्लांट में और एनिमल में भी कार्बन होता है, लेकिन कम टाइम के लिए होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, देन इट इज इन कोल। जितना कोल में होता है, जितने टाइम के लिए कोयले में होता है, कोल मतलब यहाँ पे दगड़ी कोयला बोला गया है, उसमें जितने टाइम के लिए होता है, उससे कम टाइम के लिए प्लांट और एनिमल में होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेडिमेंटरी साइकिल और गैसियस साइकिल है, वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकते, हम उसे सेपरेट, पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते। द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल मतलब कार्बन का चक्र। चलिए देखते हैं क्या है कार्बन साइकिल। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमोस्फियर इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। क्या बोला गया है? सर्कुलेशन मतलब अभिसरण, एंड रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रीकरण, अभिसरण और पुनर्चक्रीकरण किसका? कार्बन का। फ्रॉम द एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमोस्फियर, मतलब एटमोस्फियर यानी वातावरण से सजीव तक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब सजीव प्राणी, सजीव जीव, उनमें, एटमोस्फियर से सजीवों में, और उनके मरने के बाद, सजीव जब मर जाता है तो उनके मरने के बाद फिर से वातावरण में जो कार्बन है वो रिलीज होता है, उसी को क्या बोला गया? कार्बन साइकिल। तो आपको याद रखना है क्या? द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमोस्फियर इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या बता सकता हूं मैं कार्बन साइकिल का? हम जानते हैं, हम क्या करते? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते बाहर, हम छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो हमसे वो एटमोस्फियर में जा रहा है, लेकिन उन्हें कौन लेता है? प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब करते, प्लांट उससे खाना बनाते, उनका फूड बनाते, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और फिर जो प्लांट फूड बनाते वही हम खाते, प्लांट को ही हम खाते हैं ना, हमारा फूड बोल के, तो फिर से मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक साइकिल हो गया। तो इस तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं, कार्बन साइकिल। चलिए आगे देखते हैं। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वही बताया गया है, अबायोटिक कार्बन एटम्स यानी अजैविक कार्बन के जो अणु होते हैं वो अभिसारित होते, सर्कुलेट होते, एंड रिसाइकल भी होते, यानी पुनर्चक्रीकरण भी होता है उनका, इनटू बायोटिक फॉर्म यानी जैविक फॉर्म में, मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, जिससे जो प्लांट है वो अपना फूड प्रोड्यूस करते, अपना जो अन्न है वो बनाते, एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते, और जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। एज द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोजियो केमिकल साइकिल, और इसीलिए
कार्बन साइकिल एक इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है। अभी यहाँ पे आपको दिखाया गया है कार्बन साइकिल किस तरीके से होती है। अभी आपको यहाँ पे दिखाया गया है बायोटिक कार्बन, बायोटिक डिकम्पोजिशन, फॉसिल फ्यूल, एब्सॉर्प्शन इन वाटर, CO2 फ्रॉम फैक्ट्रीज, अलग अलग चीजें आपको दिखाई गई है। क्या दिखाया गया है? और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो अभी मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी क्या करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते समय उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो एनिमल है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, कार्बन साइकिल फॉर्म होता है। और हम यहाँ पे फैक्ट्री का भी एग्जांपल दिया है, फैक्ट्री से CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिक्स हो जाता है, शायद कुछ पानी में भी एब्जॉर्ब हो सकता है, अगर कोई पानी में छोड़ दिया तो पानी में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करते, तो इससे क्या बनता है, एक साइकिल बनता है, और यही क्या है, कार्बन साइकिल। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो है अपना अन्न बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। और क्या बनाते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आपको पता है कार्बोदके। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते, कार्बोदकों में कन्वर्ट करते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू। उसी तरीके से जो दूसरे कार्बन कंपाउंड है वो भी फॉर्म होते हैं, दूसरे कार्बन संयुग है वो भी तैयार होते हैं, जैसे प्रोटीन्स यानी प्रथिने एंड फैट्स यानी मेद हम जानते हैं। हर्बीवोरस फीड अपॉन प्लांट्स, कार्निवोरस फीड अपॉन हर्बीवोरस। हमको पता है जो हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी वो प्लांट के ऊपर फीड होते हैं, यानी वो प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, वो किन्हीं खाते हैं, हर्बीवोरस को, जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। अभी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, हमने ट्रॉफिक लेवल्स देखी थी अलग अलग, क्या क्या देखा था हमने, प्रोड्यूसर होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से देख लिया था। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस, फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, एंड फ्रॉम कार्निवोरस टू एपेक्स कंज्यूमर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कौन से ट्रॉफिक लेवल्स होते, वही यहाँ पे बताया गया है। उसी तरीके का कुछ है कि जो बायोटिक कार्बन है, जो जैविक कार्बन है, वो प्लांट से हर्बीवोरस में जाता है, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, और कार्निवोरस से एपेक्स कंज्यूमर्स में। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी और एपेक्स कंज्यूमर्स मतलब सर्वोच्च भक्षक, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। अभी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है, मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल, जो कि कार्बन साइकिल की एक मेन प्रोसेस है। 6CO2+12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6+6H2O+6O2। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हरित द्रव्य, हमको पता है जो प्लांट के लीव्स में होता है, हरित कण या हरित द्रव्य हम उसे बोल सकते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज C6H12O6 एक ग्लूकोज है, प्लस 6H2 यानी वाटर, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन, और इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। और नीचे एक दिखाया गया है, क्या है, C6H12O6+6O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स 6CO2+6H2O+ एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिला के क्या बनता है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी वाटर प्लस एनर्जी भी क्रिएट होती है, और इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस से प्लांट को एनर्जी मिलती है और अपना खाना बना पाते हैं। तो आपको ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की आपको याद रखनी चाहिए, या फिर आप नोट डाउन करके ले सकते हैं। इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाय, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला गया है कि मरने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव होते हैं, उनके मरने के बाद, या फिर यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर बोला गया, मतलब सभी तो कंज्यूमर ही होते, कुछ ना कुछ तो खाते ही है, तो सारे के सारे कंज्यूमर हुए। आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, किसके माध्यम से, डिकम्पोजर्स यानी विघटक लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, फंगाई मतलब बुरशी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब वो डिकम्पोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, फिर से एटमॉस्फेयर में छूट जाता है, और फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कोई मरने के बाद डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, यानी फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो एक साइकिल है। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूअसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और इसी तरीके से कार्बन जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पास होता रहता है,
घूमता रहता है, जाता रहता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन गोज टू द एटमोस्फियर एंड इज अगेन टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही बात है, किसी की डेथ हो गई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कार्बन है वो एटमोस्फियर में जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे वो उसे ले लेते हैं, और ये क्या एक चक्र है, कार्बन साइकिल है। अभी क्या बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड, फॉरेस्ट फायर्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। अबायोटिक प्रोसेसेस यानी अजैविक प्रक्रिया। कैसे, कौन सी अजैविक प्रक्रिया बताई गई है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी फॉसिल फ्यूल मतलब जो ईंधन होता है हमारा उसे जलाना, एंड वुड यानी और लकड़ियां भी जलाना, फॉरेस्ट फायर्स यानी वनवा, जंगल में जो वनवा लगता है वो वनवा, एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी का उद्रेक। इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और एक कौन सी प्रोसेस है, अबायोटिक प्रोसेस यानी अजैविक प्रक्रिया है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है किसके माध्यम से, एक बायोटिक प्रोसेस, कौन सी है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो अभी हमने देखा, लेकिन कौन सी प्रोसेस है, एक बायोटिक प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है। एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन, और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी जैविक प्रक्रिया से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, लेकिन वो जैविक प्रक्रिया कौन सी है, रेस्पिरेशन। अजैविक प्रक्रियाओं से भी होता है जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वुड, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बायोटिक प्रोसेस से भी होता है जैसे कि रेस्पिरेशन। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय प्लांट्स। और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन है हमारे वातावरण में वो कौन मेंटेन करता है, प्लांट्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं बाहर, जिसके जिसे अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो अदर एनिमल्स है वो इनहेल करते, वो लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इससे क्या बना रहता है, एक संतुलन बना रहता है। इससे हम क्या जान सकते हैं कि जो बायोटिक फैक्टर्स है उनके लिए अबायोटिक फैक्टर जरूरी है, क्योंकि अबायोटिक फैक्टर के ऊपर ही बायोटिक फैक्टर का जो लिविंग है या फिर उनकी लाइफ है डिपेंडेंट है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, और ये सारे क्या हुए, अबायोटिक फैक्टर्स हुए। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता रहता है। और एक दूसरी बात, अभी हमने तो बोला कि कार्बन की एक साइकिल है, कार्बन साइकिल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो तो बाहर छूट रहा है, फिर से कोई ना कोई उसे ले रहा है, फिर से बाहर छूट रहा है, वो भी एक साइकिल के दौरान ही आ रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से तो आपने सुना होगा कि टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऐसा क्यों होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में आ गया हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, सन से आने वाले जो रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन, वो उन्हें ट्रैप कर लेता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उन्हें बैक रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देता, वापस जाने नहीं देता। अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे रेडिएशन, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो प्रोसेस है, ये जो कार्बन साइकिल है उसके बारे में हमने पढ़ा, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है वो हमने देखा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।